नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे सोलर इन्फॉर्मेटिव चैनल सोलर इन्वेंशन चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, यूटिल गामा प्लस ने मुझे एक महीने में 30 दिन में कितनी यूनिट्स KWH बना के दिए वो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखे दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग वीडियोज मेरे प्ले लिस्ट में मौजूद है। सोलर प्ले लिस्ट में गामा प्लस पर हर एक प्रकार का लोड दे के मैंने टेस्टिंग की है, सारे वीडियोस प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप कृपया करके देख लीजिए फुर्सत में। ऑन ग्रिड के भी वीडियोस हैं दोस्तों। अभी वीडियो की तरफ जाएंगे, वीडियो देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये एनर्जी मीटर मैंने 15 अगस्त को लगाया है, यूटिल गामा प्लस थ्रू मेरा लोड दिया है। ये कितना KWH बना है यूटिल गामा प्लस ने वो इधर काउंट होता है। देखिए 50+ यूनिट है, 50+ KWH अभी तक मुझे गामा प्लस ने बना के दिया इस महीने में। इस महीने में मैंने 15 अगस्त से आज 15 सितंबर 30 दिन में लगभग 50 यूनिट बना के दिए मुझे गामा प्लस ने, वो दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और गामा प्लस के डिस्प्ले पर कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी रात 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा लोड इतना रोज चालू रहता है, इस वक्त 125-150 वैट लोड मेरा चालू रहता है। आपको मेरी बैटरी इस लोड पर कितने होल्ड पर है वो भी दिखाता हूँ। ये एक महीने में 50 यूनिट मेरे बन गए गामा प्लस ने मुझे बना के दिए। ये देखिए दोस्तों, कैलेंडर पर मैंने मार्क किया है, दिख रहा है। गामा प्लस के डिस्प्ले का रीडिंग है, 15 अगस्त को लिया था मैंने रात को 10 बजे, 400465 किलो वैट KWH, 465 KWH तक रीडिंग था गामा प्लस के डिस्प्ले का। अभी सितंबर है, अभी 15 सितंबर, आज 15 अगस्त का ये रीडिंग, 15 सितंबर का कितना रीडिंग है गामा प्लस के डिस्प्ले पर वो दिखाता हूँ आपको। होल्ड करता हूँ डिस्प्ले, देखिए ये फिगर देखिए आप, 465, ये फिगर देखिए 510, इधर 510 KWH है, 45 यूनिट्स 30 दिन में गामा प्लस ने मुझे बना के दिए 45 यूनिट्स। और इधर दिखाता है लगभग 50 यूनिट, 5 यूनिट्स 5 पॉइंट का डिफरेंस दिखाता है ये एनर्जी मीटर पर, इधर 50 दिखा रहा है। और इसके हिसाब से 45 यूनिट्स बना के KWH बना के लिए यूटिल गामा प्लस, वेरी नाइस परफॉर्मेंस दोस्तों। बिजली का बिल मेरा कम आया 45 यूनिट्स, नहीं तो मेन बिजली के बिल में ये काउंट होते हैं, ये गामा प्लस ना होता था। अभी मेरा मेन इलेक्ट्रिसिटी बिल 35 यूनिट का आया है और ये 45 यूनिट उसमें ऐड हो जाते हैं। गामा प्लस पर ये लोड नहीं यूज करता, तो गामा प्लस और बैटरी, रात में बैटरी पर, दिन में सोलर पर 45 यूनिट्स बना के दिए लगभग गामा प्लस ने, वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दोस्तों। और बारिश के दिनों में प्रॉपर धूप नहीं है, क्लाउडी डेज, 10 मिनट के लिए धूप आती है, फिर 2 घंटे बादल, फिर 10 मिनट धूप, ऐसा वेदर है दोस्तों। पूरा लोड अभी मेरा देखिए मेन से ऑफ है, स्विच देखिए ऑफ है, पूरा लोड बैटरी पर है मेरा।
ये आपने देख लिया 45 यूनिट्स बना दिए एक 30 दिन में, यामा प्लस ने मुझे बना के दिए। बाकी के पैरामीटर दिखाता हूँ आपको। मेंस ऑफ है, मेंस ऑफ अपसेंट, बैटरी देखिए 12.1 वोल्ट पर है, इससे नीचे जाती नहीं मेरी बैटरी, इतनी रहती है, ज्यादा से ज्यादा 12 वोल्ट पर जाती है। बरसात के दिनों में भी मेरा इतना लोड चल रहा है 125-150 वाट, शाम 5 बजे से 11 बजे तक, तब भी बैटरी अभी मेरी 12.1 पर है। के डब्ल्यू एच इतने बने हैं 45 के डब्ल्यू एच 30 दिनों में। एसपीवी से अभी रात में एसपीवी का कुछ मतलब ही नहीं, सब जीरो है, देखिए एसपीवी एम्पियर जीरो है। एसपीवी वोल्टेज जीरो, 14% लोड दिखा रहा है, 14% लोड। इंडियन फ्रीक्वेंसी 219 वोल्ट यूटी गैमा प्लस आउटपुट वोल्टेज, एसी आउटपुट वोल्टेज 12.1 बैटरी, 14% लोड है। देखिए 122 वैट लोड है मेरा नाइट टाइम, 14% गैमा प्लस पर दिखाता है। 122 वैट माने 14% गैमा प्लस का, 14% के उधर गैमा प्लस के डिस्प्ले पर 219 वोल्ट दिखाता है, 221 वोल्ट दिखाता है दोस्तों, और फैक्टर 0.91 दिखा रहे। फ्रीक्वेंसी देखिए पर फीट दिखा रहे 49.50 दिखा रहे, 50 हर्ट्ज इंडियन फ्रीक्वेंसी। और पीडब्ल्यूएम देखिए, बैटरी वोल्टेज दिखा रही है, अभी सोलर सिंबल इधर नहीं आता, सोलर अपसेंट है, देखिए इधर ज्यादा दिखाता है बैटरी वोल्टेज 12.2 दिखा रहा है, 12.1 दिख रहा है, ओनली बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है अभी। बैटरी पर पहले पैरेलल कनेक्ट है ना, इस बैटरी का सप्लाई इससे मिल रहा है, बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है। इधर 50 दिखाता है एनर्जी मीटर पर, 50 के डब्ल्यू एच बना ये दिखाता है, और गैमा प्लस के डिस्प्ले पर 45 के डब्ल्यू एच, 5 के डब्ल्यू एच का डिफरेंस पड़ रहा है दोस्तों। ये टेस्टिंग वीडियो, टेक्निकली टेस्टिंग वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Have a nice day. Thanks for watching this video.